दोस्तों, आप या फिर आपके घर वाले अगर पापड़ खाने के शौकीन हैं तो इस पापड़ को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में आसान और जल्दी से बनने वाले इस पापड़ को आज हम घर में तैयार करेंगे, और वो भी बिना धूप के। इस पापड़ को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, 1/4 चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिला देंगे और अब हम 2 कप पानी डालकर यहाँ पर चावल का घोल तैयार करेंगे। इसको मैंने लगभग 2 मिनट तक अच्छे से घोला है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब लिया है मैंने यहाँ पर एक पतीला और उसमें डाला है 2 कप पानी, और पानी के साथ ही हम डाल देंगे तैयार किया हुआ चावल का घोल। और अब हमें इस घोल को हाई फ्लेम पे अच्छे से उबालना है। यहाँ पर हमें लगातार चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये जो घोल है ये गाढ़ा होने लगा है। गाढ़ा होने के बाद गैस को कर देंगे हम लो, और लो फ्लेम पे लगभग 15 मिनट तक इस घोल को हम पकाएंगे। तो यहाँ पर पूरे 15 मिनट हो गए हैं, ये जो घोल है इसमें चमक भी आ गई है। तो गैस को कर देंगे हम बंद और इसको रख देंगे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। घोल यहाँ पर हमारा हो गया है अच्छे से ठंडा, और ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में आधा घोल हम निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर, आप कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फूड कलर को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हो गया है हमारा पापड़ के लिए कलरफुल घोल बनके तैयार। अब मैंने यहाँ पर ये केक को डेकोरेट करने वाला नोज़ल लिया है, और अगर आपके पास इस तरीके का नोज़ल या फिर ये बैग ना हो तो आप पॉलीथिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार किए हुए घोल को हम पाइपिंग बैग में भर देंगे, और भरने के बाद अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉलीथिन ली है, पॉलीथिन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस की हुई पॉलीथिन में हम इस तरीके से गोल गोल पापड़ बना के तैयार करेंगे। बस घुमाते जाइए और कीजिए जलेबी के डिजाइन के पापड़ बना के तैयार। तो ये यहाँ पर मैंने सारे पापड़ को बना लिया है, अब रखना है इनको सूखने के लिए। तो मैं इनको एक दिन फैन के नीचे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। एक दिन फैन के नीचे मैंने इन पापड़ को रखा था और पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। और अगर आप चाहें तो इनको एक दिन की अच्छी धूप में भी सुखा सकते हैं। अब बारी है पापड़ को तलने की। पापड़ को तलने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम गरम तेल में हम पापड़ को डालते जाएंगे और इस तरीके से तलते जाएंगे। ये देखिए, ये अपने साइज के लगभग 3 गुना हो रहे हैं। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और एकदम कुरकुरे होते हैं ये पापड़। एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से इन पापड़ को जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।